उखल उखल। देख भाई, लाइफ में फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर लड़ना सीखना है तो अबनी की तरह, और सेलिब्रेट करना है तो अलादीन की तरह। जीत गई मेरी जान। और इसी बात पे अली, जेल जाने नहीं दे सकता, कोई तरीका होगा उनको बचाने के लिए। मिस्टर मेहता, उन्होंने अपना गुनाह खुद कबूल किया, उसके बाद कोई क्या कर सकता है? सर कर सकते ना, हम हाईकोर्ट को अपील कर सकते, कुछ तो कर सकते। नथिंग कैन बी डन, I'm so sorry. Papa. केतन, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। मेरे होते हुए मां जेल में नहीं रह सकती एक झूठे इल्जाम की वजह से। पापा तो ऐसा ही करेंगे, उनकी आदत है ये। कुछ पल की खुशियां लेकर आ जाएंगे हमारे पास, झूठी उम्मीदें जगाने, और जब सही वक्त पर हाथ थामने का मौका आता है तब अकेला छोड़कर वापस वहीं चले जाते, जैसे अभी चले गए। देखा ना आपने बच्चा। तो हम केस जीत ही गए मम्मा, इंसाफ मिला तुम्हें और बुराई को सजा, जो सच था वो बच गया और जो झूठ था उसे सजा मिल गई। पर मम्मा, एक पापा का साथ मिला था, वो भी छूट गया। लगता है अब जिंदगी के साथ समझौता कर लेना पड़ेगा। लगता है पापा हमारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएंगे। अब घर चले मामा वापस? चलो मामा, दीदी और मेरा प्यारा अमन। मैं आपसे कब से रिक्वेस्ट करे जा रहा हूँ, प्लीज मुझे मेरी माँ से एक बार मिलने दीजिए। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? नहीं मिस्टर मेहता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? मेरी माँ खूनी नहीं है, शी इज नॉट अ किलर। कुछ गलत फहमी है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुई है। आई एम टेलिंग यू सर, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। मिस्टर मेहता सर, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे सिर्फ एक बार मेरी माँ से मिलने दीजिए। मिस्टर मेहता, ये हमारे नियम के खिलाफ है और हम ऐसे ही किसी कैदी को मिलने की इजाजत नहीं देते, खासकर उसे जिस पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। माँ कातिल नहीं, she is not a killer, sir. मिस्टर मेहता,
यहाँ इस तरह पुलिस स्टेशन में चिल्ला के कुछ होने वाला नहीं है। सबके सामने आपकी माँ ने जुर्म कबूल किया है, विश्वास नहीं होता ना? तो जाइए जाइए, सबूत लेकर आइए, जाइए। 24 घंटे के अंदर मैं मेरी माँ को यहां से ले जाऊंगा। 24। रुक जाओ ना प्लीज, जब से शादी करके आई हूँ इस घर में हमेशा तुम्हें अपने आसपास पाया बच्चा, तुम चली जाओगी तो घर बहुत सूना हो जाएगा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन अवनी। प्लीज रुक जाओ मेरे पास हमेशा के लिए। वो क्या कहते हैं, हम तुम मैं अमन हम सब मिलके एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, हमेशा खुश खेलेंगे मस्ती करेंगे खुश रहेंगे, बुराई दुख इन सबसे बहुत दूर हमेशा खुश रहेंगे, एक एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। जाओ प्लीज प्लीज अम्मी। आप मुझे जब कहेंगी जहाँ कहेंगी खुशी खुशी आ जाऊंगी आपके साथ रहने। अभी नॉटी को मेरा और अमन का इंतजार कर रहे हैं। फिर एक काम करो, मुझे अपने साथ पार्सल करके ले चलो, है ना? अच्छा आइडिया, ऐसे मैं तुम्हारे साथ चली आऊं। क्यों? पापा को आपकी जरूरत होगी, आज जो कुछ हुआ पापा उसके बाद बहुत परेशान होंगे। मिसेस मेहता चाहे जैसी भी है तो पापा की मम्मा ना, पापा को बहुत दुख हो रहा होगा कि उनकी मम्मा ऐसे जेल चली गई। आपकी सख्त जरूरत है, वो ये सब अकेले नहीं झेल पाएंगे नीला आंटी, इसलिए आप यहीं पर रुकिए, उनका ख्याल रखिए। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है तुमसे बच्चा, और कैसे चल अंदर। ए, पानी पिएगी क्या? पी ना। साड़ी तो देखो महारानी की, क्यों बड़ी घर से लगती है? ए, तेवर क्या दिखाते हैं? खड़ी रहेगी कि चल चल बैठ वहाँ पे चल। बेल के पैसे नहीं थे, चोरी करके आई है या किसी का खून? अरे दूर कैसे हटे, यहाँ तो आसपास ही बैठना पड़ता है, ये पुलिस लॉकअप है, तेरा महल नहीं है रानी। अरे साड़ी दे, एक बार अंदर आ गई है ना, अब तुझ में और हमें कोई फर्क नहीं। अरे चिल्ला मत, अब तो तू भी हमारी साथी बन गई है। अरे बैठ, कहाँ जा रही है? बताओ नीला मुझे, चुप मत रहो, चल क्या रहा है इस घर में? तुम थे ना कोर्ट में, देखा तुमने सब कुछ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो नीला, तुम जानती हो मैं क्या जानना चाहता। कभी तुम पर इल्जाम लग रहा है, कभी माँ पर इल्जाम लग रहा है, वो भी अश्विनी के कत्ल का, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? नीला देखो, मैं अभी इसी वक्त सच्चाई जानना चाहता हूँ, सब कुछ बताओ मुझे, क्या हुआ यहाँ पर, सब कुछ प्लीज मुझे बताओ। हिम्मत नहीं है तुम्हें सच सुनने की, क्योंकि सच जो है ना आशीष, कब से तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी माँ का आयशा जी और अवनी के लिए नफरत, ये है सच, आज जाकर दुनिया के सामने आया है। इधर देखो, लुक एट मी, सच सुनना है ना तुम्हें, सुन, सच ये है कि तुम्हारी माँ ने ही आयशा जी का खून किया है। बकवास मत करो यार नीला, कुछ भी कहे जा रहे हो। हाँ माँ अवनी और आयशा से नफरत करती, अपनी बात मनवाने के लिए खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकती। या तो तुम अपनी माँ को जानते नहीं हो या जानना चाहते ही नहीं। जानते हो आशीष, अवनी कब से कोशिश कर रही थी सबूत इकट्ठा करने के लिए,
कब से कोशिश करी, लेकिन जब भी उस बच्ची के हाथ में कोई सबूत लगता था ना, तुम्हारी माँ उसे मिटा देती थी अपने पैसे और ताकत से। जो बिका उसे खरीद, और जो नहीं बिका उसे अपने रास्ते से हटाए। वो छोटी सी बच्ची गिरती उठती और फिर लग जाती सबूत जुटाने, और जब ये सब कुछ हो रहा था तुम कहाँ थे? तुम यहाँ नशे में बेहोश पड़े थे। हाँ, मैं यहाँ बेहोश पड़ा था, कोई खबर नहीं थी क्या हो रहा था। पर अब जब तुम्हारे सामने होश में खड़ा हूं, तो मैं मान लूं कि मेरी माँ खूनी है, और तुम ये सब कह रही। तुम ये मत भूलो कि तुम जब से बच्ची थी, माँ तुम्हें तब से जानती है, तुम्हें तब से प्यार करती है, और आज तुम उन्हीं लोगों के साथ जश्न मना रही हो जो माँ को जेल भेजना चाहते हैं, पटाखे बोल रही हो उनके साथ। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अफनी के लड़ाई में तुम उसके साथ ही थे, कम से कम उसकी जीत में तो उसके साथ रहो। उस बच्ची को ये तो पता चले ना कि उसके पापा अभी भी जिंदा है, उसे संभालने के लिए। अफनी के पापा जिंदा है, पर उसके लिए सिर्फ एक लड़ाई है, उसकी माँ को बेगुनाह साबित करना और उसे बचाना, इस गलत इल्जाम से बचाना। That's it.